तो IKEA का यही कहना है कि इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग सॉल्यूशन फर्स्ट हैंड एंड गेटिंग टू नो आइडियाज एंड इंस्पिरेशंस दैट कैन फिट परफेक्टली इनटू योर होम. दैट्स व्हाई वी ऑफर मोर देन 7500 प्रोडक्ट सॉल्यूशंस टू आवर स्टोर अलोंग विद होम फर्निशिंग आइडियाज एंड सर्विसेज फॉर यू टू एक्सप्लोर. तो ये सारी बातें जो हैं ये बस उन लोगों ने परसीव नहीं किया है, बिलीव किया है. तो वॉट एवर द माइंड ऑफ मैन कैन परसीव एंड बिलीव कैन अचीव, अचीव किया जो इन लोगों ने परसीव किया और बिलीव किया. तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कुछ ग्रो करना, अगर आपकी अपनी कंपनी है और चाहते हैं अपनी कंपनी को ग्रो करना, तो पहले बिलीव कीजिए, परसीव कीजिए, फिर आपको रास्ता तो खुद ही खुद मिलते जाएगा. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2013 में IKEA ने अनाउंस किया था कि उन्हें कितना इन्वेस्ट करना है इंडिया में. तो उन लोगों ने मतलब परसीव करके रखा था कि 10,500 करोड़ जो है वो लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिसमें से ₹100 करोड़ स्पेंड होगा हर एक, जहाँ की ₹1,000 करोड़ उन लोगों का बस हैदराबाद के स्टोर में ही इन्वेस्ट हो गया और उन लोगों ने 100 करोड़ का टारगेट रखा था. तो बस एक ही स्टोर इसलिए इंडिया में हैदराबाद में लोकेट हो गया है और बहुत अच्छे से चल रहा है. उन लोगों ने यहाँ पे मार्केट देखा, यहाँ की अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर किया, जैसे कि हर एक कंपनीज करती हैं. मैं भी MBA के दौरान मैंने बहुत सारे प्रीडीट्स पढ़े थे और उसमें भी मैंने यही देखा कि जो भी बड़ी कंपनीज होती हैं वो बहुत सारे कुछ फेलियर भी बहुत उन लोगों को देखना पड़ता है और फिर जाके वो लोग अपने फेलियर से लर्न करती हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्या उनका मोटो रहना चाहिए ताकि वो लोग अच्छे से ग्रो कर पाए. तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं जो हर एक कंपनीज जो हैं वो परसीव करती हैं और बिलीव करके उससे वो लोग आगे बढ़ते हैं. तो इस तरह से अगर आप भी कोई कंपनी इंडिया में ओपन करना चाहते हैं, कोई भी अगर कंपनी, तो मेनली वहाँ के लोगों को फोकस किया जाता है. अगर आप इंडिया में ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ की जो जनता है वो प्राइस सेंसिटिव है, तो उस हिसाब से लोगों को ज़्यादातर ब्रांड्स के प्राइस ऐसे रखने पड़ते हैं जो कि जनरल पीपल बाय कर सके. और यहाँ का पॉपुलेशन जो है वो बहुत डिफरेंट है, यहाँ का डाइवर्स बैकग्राउंड है यहाँ के लोगों का, इसलिए वो लोग ज़्यादा ड्यूरेबल प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं, लेकिन वो लोग सस्ते प्रोडक्ट को भी ज़्यादा पसंद करते हैं. तो इंडिया का अगर आप प्रोडक्ट देखिएगा, जो भी इंडिया का मेड प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ड्यूरेबल बहुत होता है और सस्ता भी होता है. ऑल्दो जो भी प्रोडक्ट इंडिया से बाहर जाते हैं वहाँ पे आप लोग देखिएगा कि वो सारे प्रोडक्ट पे इंडिया का जहाँ भी लोगो लगा रहता है वो लोग बहुत एक्सप्लोर करते हैं इंडियन मार्केट को, बहुत कुछ देखते हैं वो लोग, परसीव करते हैं और उसके बाद से इंडिया को इंडिया के प्रोडक्ट को वो लोग बाय करते हैं. क्योंकि यहाँ के प्रोडक्ट पे हमेशा एक मेन पर्पस यही होता है कि प्राइस सेंसिटिव मार्केट को टारगेट करना. तो लेकिन प्रोडक्ट में कोई कमी हो यहाँ के लोगों को नहीं पसंद है. तो इस हिसाब से IKEA ने बहुत अच्छा रिसर्च किया, बहुत अच्छी जानकारी जुटाई उन लोगों ने और फाइनली ये एक सक्सेसफुल स्टोर है यहाँ का. और यहाँ पे आपको हर एक प्रोडक्ट मिल जाएगा, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि आपके लिए यूज़फुल नहीं है. और कहा जाता है ना कि प्रोडक्ट को लोग डिमांड क्रिएशन करते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ क्या करती हैं वो प्रोडक्ट को डिमांड क्रिएशन कराती हैं, ताकि अगर आपको प्रोडक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कुछ नहीं बाय करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिख ही जाएगा जिसको आपको कुछ न कुछ यूसेस आपका निकल ही आएगा, तो उसके लिए प्रोडक्ट डिमांड क्रिएशन इसे कहा जाता है. फॉर एग्जांपल IKEA में आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जैसे कि चम्मच जो होते हैं उनको स्टैंड में रखने से पहले एक डब्बे में आप अच्छे से सिक्योर कीजिए, फिर उसे रखिए. तो ऐसा डब्बा जो है जनरली लोग नहीं सोचते हैं कि ऐसा डब्बा कुछ होगा, लेकिन
यहाँ पे IKEA में आपको वैसा डब्बा हो आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप चम्मच को बिल्कुल अच्छे से एक जगह रखिए, फिर उसे ऑर्गेनाइज कीजिए। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट इंड्यूस किया जा रहा है ताकि लोग इसे डिमांड क्रिएशन भी कहा जा सकता है। तो ऐसे ही हमारा जो जर्नी रहा IKEA का वो बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, बहुत कुछ देखा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी हैदराबाद आते हैं उन्हें IKEA ज़रूर जाना चाहिए, और जो लोग अपना नया घर बनाने वाले हैं या फिर नया घर खरीदने वाले हैं उन लोगों को ये वीडियोस ज़रूर देखने चाहिए ताकि उन्हें भी बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाए।
तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बाकी के वीडियोस भी आप लोग जरूर देखिए, और लाइक तो बनता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।